वहीं नोटबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। नोटबंदी पर बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह से सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि नोटबंदी पर राजनीति करने वालों की अब माफी मांगनी चाहिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनसे बात करते हैं। आज नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा, तो अब इस पर विपक्ष बताए कि जिस प्रकार से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था और नोटबंदी के लिए तमाम रोना रो रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट को उसको सही ठहराने के बाद क्या विपक्ष माफ़ी मांगेगा? विपक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। आज ये बात सिद्ध हुई है कि विपक्ष केवल अपने लाभ के लिए ही ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रकार का मुद्दा उठाया था लगातार जो है, चाहे वो हम सपा की बात करें, इसके साथ साथ चाहे बसपा की बात करें, कांग्रेस की, नोटबंदी को एक बड़ा नेशनल इशू बनाया गया, तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शन तक किया गया, उसको लेकर कई बार राजनीति जो है वो अपने चरम पर दिखाई पड़ी थी। देखो नोटबंदी में सबसे बड़ा नुकसान तो इन्हीं का हुआ था, जिस प्रकार से इन लोगों के जो घरों में जो नोट रखे हुए थे, जो भ्रष्टाचार से कमाए हुए थे, तो वो कहीं एकदम से वो पानी हो गए थे, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इन लोगों को हुई है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा शोर भी इन लोगों ने किया है। आज ये स्पष्ट हुआ है, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को ठीक बनाया, जिसके बाद अब बीजेपी जो है पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।